गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंभू सर, योर माई टीचर। वेलकम बैक टूडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.2 इज गोइंग ऑन। दिस क्वेश्चन नाइन्थ, क्वेश्चन नाइन्थ वी हैव इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, हमें एपी का कुछ टर्म गिवन है, वो है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, फोर एंड माइनस एट रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म गिवन है और हमें ये बताना है कि जीरो उस एपी का कौन सा टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, गिवन थर्ड टर्म ऑफ एपी इज -4, आई थिंक, सॉरी 4 ओनली, एंड A9 थर्ड एंड नाइन्थ, यस सर, A9 इक्वल्स टू -8 गिवन है। और फाइंड करना है विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। फाइंड को तो आने दो, डायरेक्ट ही सॉल्व कर दो उसको। तो देखो, हम जनरली अभी तक ये देखते आए हैं कि कोई एपी होता है उसका फर्स्ट टर्म ऑलवेज हमने ए सपोज कर रखा है, कॉमन डिफरेंस डी सपोज कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन A3D मीन्स A प्लस 2D क्यों होगा, A+(n-1)(d), तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो A-2D हो जाएगा, ठीक है। अब 2D दैट वन क्या होगा, इक्वल्स टू 4, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर A+(8D) इक्वल्स टू -। अब हम देखते हैं कि बाय द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब (8-2) क्या होगा, 6D होगा, बट साइन टेका माइनस। इक्वल (8+4) क्या होगा सर, 12 होगा। देन वी गेट -6D इक्वल्स टू 12, देन 1D इक्वल्स टू 12/-6, तो D का वैल्यू आ गया हमारा माइनस, ये आया D का वैल्यू, है ना। अब बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हम इस डी के वैल्यू को अगर किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A+2(4), A-4(4), A=4, -4 ट्रांसफर होगा तो +4, A=2 क्या हो जाएगा, 8। ए का वैल्यू आया 8, डी हमारा क्या है, डी है हमारा -4। अब हमें फाइंड करना है कि जीरो इज विच टर्म ऑफ एन एपी, तो लाइक दैट nth टर्म इक्वल्स टू 0, और वी नो दैट nth टर्म इज A+(n-1)(d) इक्वल्स टू 0, वी हैव वैल्यू ऑफ ए इज 8, हमें नंबर n फाइंड करना है, डी का वैल्यू -2 ये +8, इधर जाकर -8 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, देन वी गेट n-1/8/2 फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। तो फिफ्थ टर्म इज जीरो, विच टर्म इज जीरो सर, फिफ्थ टर्म कौन सा टर्म होगा हमारा, जीरो फिफ्थ टर्म होगा। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। ये टाइप मैन होता है कि आपको कुछ टर्म का रिलेशन दे दिया है कि वी हैव थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी, थर्ड 4 था, 9 हमारा -8 था,
विद द हेल्प ऑफ गिवन टर्म्स हमें इक्वेशन के फॉर्म में हमने उनको कन्वर्ट किया, और इक्वेशन के फॉर्म से हम वहाँ पर हमारा ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी हेयर कॉमन डिफरेंस, और वो वैल्यूज़ को अगर हम फाइंड करते हैं, और फिर हमें क्वेश्चन था कि हमें इस ए पी का जीरो फाइंड करना है कि जीरो कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ एन ए पी जीरो। तो हमने वही nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म इक्वल्स टू जीरो, मीन्स हमें पता नहीं है, श्योर नहीं है कि वो कौन सा टर्म जीरो है। तो सपोज किया कि वो n कोई टर्म जीरो है, विद द हेल्प ऑफ पी एंड डी देन वी गेट n इक्वल्स टू फाइव, देन वी कैन सी दैट फिफ्थ टर्म इज जीरो। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन होता है, और ये टाइप जो चलता है इस पर कि इसी पर बेस सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।